18 सितंबर 2023 नए संसद भवन के पहले ही दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल को संसद के सामने नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से पेश किया। आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। लगभग 27 साल के बाद इस बार आखिरकार ये बिल पास हो ही गया। ये बिल तो अभी पास हो गया, लेकिन इसका फायदा महिलाओं को 2024 के इलेक्शन में नहीं मिलेगा, बल्कि 2026 के बाद 2029 के चुनाव में महिलाओं को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि पहले जनगणना किया जाएगा, उसके बाद परिसीमन होगा, इसके बाद ही इसके बारे में सोचा जा सकता है। इसका मतलब ये साफ है कि 2024 के इलेक्शन में महिलाओं को महिला आरक्षण नहीं मिलेगी, लेकिन 2029 के इलेक्शन में इसका फायदा हमें देखने को मिल सकता है, या नहीं तो नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि कानून लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की दोनों शर्तें कब पूरी होगी इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। हो सकता है ये 2029 के इलेक्शन के टाइम भी किसी कारण से लागू नहीं हो। महिला आरक्षण जब लागू होगा तो देखा जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं महिला आरक्षण बिल क्या है और इसका इतिहास कैसा है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% यानी कि एक तिहाई आरक्षण देता है। जैसे कि अभी लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं, लेकिन इनमें से मात्र 48 महिलाएं ही महिला सांसद चुनी गई, जो कि 15% से भी कम है। लेकिन अगर ये महिला आरक्षण बिल लागू हो जाता है तो लोकसभा में जो अभी 78 महिला सांसद है वो बढ़कर 181 हो जाएगी। अब हम ये तो समझ गए कि महिला आरक्षण बिल क्या है। आइए जानते हैं महिला आरक्षण बिल का इतिहास कैसा था और कितनी कठिनाइयों के बाद अब जाकर ये बिल लागू हुआ है। ये बात है 12 सितंबर 1996 की, जब पहली बार महिला आरक्षण बिल को गीता मुखर्जी के द्वारा HD देवगौड़ा के सरकार में 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया गया था। लेकिन जनता दल और अन्य कुछ पार्टी महिला आरक्षण बिल के खिलाफ में थे, तो इस समय ये बिल पास नहीं हो पाई। इसके बाद फिर से कोशिश की गई 1997 में जब इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी। इस बार भी ये बिल पिछली बार की तरह असफल ही रही। अब वक्त आया 1998 का, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। इस बार भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद के सामने महिला आरक्षण बिल को पेश किया। इतना ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999, 2002 और 2003-04 में भी इस बिल को पास कराने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से ये बिल पास नहीं हो पाई। 2004 में जब UPA की सरकार सत्ता में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के PM बने, तब महिला आरक्षण बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया गया, और इस बार ये बिल 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में भारी बहुमत से पास भी हो गया। लेकिन 2014 में लोकसभा भंग हो गया और सत्ता में नई सरकार आ गई। इसके बाद ये बिल 18 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी के सरकार में फुल बहुमत से पास हुई। लेकिन लोकसभा में तो ऐसे MP भी थे जो इस महिला आरक्षण बिल के खिलाफ में थे। उनका ये कहना था कि वो मुस्लिम महिला और OBC महिलाओं के समावेश के लिए लड़ रहे हैं, और वो दोनों MP कोई नहीं बल्कि AIM पार्टी के थे। वैसे दोस्तों आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।